नमस्कार। क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड के मार्क्स आ चुके हैं। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए तो ऐसे भी दुनिया बधाई दे रही है, जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं या जितना एक्सपेक्ट किए उतने अच्छे नहीं हैं, उनके मन में जरूर ख्याल आता है कि बोर्ड के मार्क्स लाइफ या कैरियर में कितना इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट आंसर है, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे खुद के मार्क्स न 10th में न 12th में 70% भी नहीं है, बट मैंने बीटेक IIT से किया है, ठीक ठाक जॉब या कैरियर मेरा रहा है। सो अब दूसरा पार्ट है इसका कि अब 10th की बात करते हैं। 10th का जो बोर्ड मार्क्स है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है, और 12th का जो मार्क्स है वो मैटर करता है जॉब में, कैरियर में। सो 12th के मार्क्स अगर कम है तो आप फिर से रीअपियर कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट पे सोचते हैं कि अगर 12th में मार्क्स आपका कम है और आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं एडमिशन, खासकर IIT, NIT या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ एक कट ऑफ है मार्क्स का, या कई कॉलेजेस में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है 60%, 75%, अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, बस बोर्ड का मार्क्स ही कम पड़ रहा है, तो आप उसके प्रिपरेशन करिए। बोर्ड का मार्क्स का इम्प्रूवमेंट का डेट आएगा, आप उसको तैयारी करके फिर से इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। IIT और NIT के लिए अगर, या किसी कॉलेज के लिए आप एक साल रुक कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 2024 में इम्प्रूवमेंट मत भरिए, आप 2025 में इम्प्रूवमेंट भरिएगा। तो फॉर्म तो इसी साल निकलेगा, लेकिन आप अगले साल एग्जाम देंगे तो आपको अच्छा खासा एक साल टाइम मिल जाएगा। एक साल में आप ऐसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल का, या तो आप अगले साल इम्प्रूवमेंट भरिए, आई एम श्योर आपका जरूर होगा। हमारे यहाँ से कई बच्चे जो एक साल ड्रॉप करके तैयारी किए, उनका 75% से कम मार्क्स था, उसको इम्प्रूव भी किए और आज IIT NIT में पढ़ रहे हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। थैंक यू।